कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात प्रेमन। एक कौंध में जीवन जगत की विडंबनाएं उजागर कर देने की कला है कविता। यथार्थ को स्वप्न की तरह बांचने की कला, कुछ इस तरह बांचने की कला कि चित्त उस विरल मासूमियत की तरफ चला जाए जिसमें जो प्रेम में जैसे जाता है। आपकी ये मासूमियत आपके मर्म स्थान पर, आपके बीज कोष पर पहली बारिश की तरह बरसने लगती है। कुछ इस तरह बरसती है कि अच्छाई आपकी हड्डियों में फूल की तरह खिल जाए। योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नहीं करती कुछ कविता, जैसे नदियां योजनाबद्ध ढंग से नहीं बहती, बहती वो अपने मौज में, पर कुछ उनके बहने में बात ऐसी होती है कि उनके तट पर सभ्यताएं बस जाती हैं। इसी तरह कविता अपने होने में ही कुछ ऐसी होती है कि आप अपने भीतर झांकने की तरावट पा जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि एक अलाव सा सुलग जाता है, लिखने वाले का अकेलापन और सुनने वाले का एकांत, निरभ्र एकांत, उनके बीच एक अलाव सुलग जाता है और अंतरंग बातचीत की लय कायम हो जाती है। धीरे धीरे शब्द शरीर भी छूट जाता है और हम उस महामौन तक पहुंच जाते हैं जहां मौन मधुर हो जाए, मधुर हो जाए की स्थिति मधुर हो जाता है। बिना इशारों में भी बात होती है, ऐसे इशारे जैसे मुझे अक्सर लगता है कि कविता का स्वभाव औरत के स्वभाव जैसा होता है। वो कम बोलती है, इशारों में बोलती है और आपसे ये उम्मीद करती है कि आप इतने ध्यान और मान से उसकी बात सुने कि वो इशारे आपके लिए सहज ग्राह्य हो जाए। जब चित्त की ऐसी स्थिति हो कि वो सृष्टि के इशारे समझ पाए तो ही ये फूल बुद्धत्व के या अच्छाई के भीतर खिलते हैं। एक बात और मुझे यहाँ कहने का मन हो रहा है, और वो कि कुमति कुत्सित अन्याय प्रदूषण हर तरह की हिंसा की मारी हुई इस दुनिया में कविता ही एक ऐसा स्पेस है जो आपको आपसे हेलो कहने का पर्यावरण देती है। इसलिए स्वयं को हेलो कहने की कला है कविता। बीज विधा है और गद्य मुझे लगता है उसी बीज से उगा हुआ एक पेड़, वृक्ष जिसमें बहुत सारी टहनियां हैं, बहुत सारी डालों पे पक्षी बसेरा कर रहे हैं, और लेकिन जिस बीज से, जिस महामौन के बीज से वो पेड़ बना है वो कविता ही है। माँ की लोरियां हो या आदि कवि का अनुष्टुप, वो अपने आप से दुनिया के सृष्टि के गहनतम रहस्यों और स्वभाव के गहनतम रहस्यों और जीवन जगत की हजार विडंबनाओं की एक कौंध में अगर पड़ताल करनी हो मार्मिक ढंग से तो कविता करती है, और अगर उसका विवरण देना हो चरित्रों के माध्यम से, थीम के माध्यम से, प्लॉट के माध्यम से, मिल्लियों के माध्यम से, तो वो विस्तार गद्य में होता है। गद्य विश्लेषण करता है, कविता इशारे करती है।